जालौर में किसानों का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी। जवाई बांध पर जालौर का हक तय करने की मांग, बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। जालौर जिला कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान संघ के आह्वान पर मंगलवार से किसानों के द्वारा शुरू किया महापड़ाव दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर किसान नेताओं के द्वारा किसानों को संबोधित किया गया। दरअसल जवाई नदी के बहाव क्षेत्र में जवाई बांध निर्माण के बाद लगातार जालौर जिले का जल स्तर नीचे चला गया है, जिसको लेकर किसानों के द्वारा पिछले करीब 31 सालों से जवाई बांध पर जालौर का हक तय करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर कई बार किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में जालौर विधायक के समर्थन में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सायला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनी तो जवाई नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन इस बार भी अच्छी बारिश व बांध में पानी की आवक के साथ बांध पूरी भराव क्षमता के साथ भर गया, लेकिन जालौर को पानी का हक नहीं मिलने से नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान बद्रीदान सारण ने धरना स्थल पर संबोधित करते हुए कहा कि जालौर में जनता के लिए पीने का पानी नहीं है। वहीं नर्मदा का पानी पर्याप्त नहीं मिलने से जलदाय विभाग के द्वारा स्थानीय जल स्रोतों से खारा पानी नर्मदा के पानी में मिक्स कर जिले में सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन किसानों के द्वारा हाई कोर्ट में लगाई रिट पर जलदाय विभाग के अधिकारियों ने जवाब देते हुए लिखा कि जालौर में पानी की कोई कमी नहीं है, जिससे किसानों को और परेशानी हो रही है। इस दौरान कई किसान नेताओं ने धरना स्थल को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जालौर टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष नंदलाल खटीक के नेतृत्व में टैक्सी चालकों ने शहर में टैक्सियों की रैली निकालकर जिला कलेक्टर के सामने धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को समर्थन दिया। यूनियन ने कहा कि ये किसानों नहीं बल्कि हर जिलेवासियों की लड़ाई है, जिसमें टैक्सी यूनियन उनके साथ रहेगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर जवाई बांध पर किसानों का हक तय करने की मांग की। पर हमें ओपे मजबूत हो पूरा बाजार आपने हाथे पर दे एक ही सीट देते है कि किसान पुत्र बातें रेवा दो। हमके कोई डिबेट मत कर लो, मैं आप रो ओपे तो कह दिया कि हाथ हाथ आप रो तय ओपे लेन जाओला मजबूती थोड़े बतावनी पड़ेगा। अरे घर ट्रैक्टर पड़िया पहन के तो मैं लेन आया था और कलेक्टर साहब ने ऑफिस में आगे किया था सर, हमने भी कहा था पर आपके सामने प्रशासन को भी कहा था कि आप लोग सारे अधिकारियों से एक बार चर्चा करके हमारे सारे प्रतिनिधियों के सामने बैठो, और वो बात आज भी वापस दोहराई हमारे अध्यक्ष जी ने और सारे प्रतिनिधियों ने। उन्होंने कहा हम इसके लिए कल आपके साथ में बैठेंगे, तो ये कल उन्होंने कहा है कल के लिए। क्यों रुकते सर, कल के लिए कहा है क्या भाई? कल जैसे मांगों के लिए उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया, हमसे वार्ता का अभी तो कोई प्रस्ताव नहीं है। कल भी ज्ञापन दिया था, आज भी ज्ञापन दिया है, मापड़ा जारी है, मापड़ा जारी रहेगा। जब तक कोई वार्ता का नतीजा ठोस नतीजा नहीं निकलता तब तक जारी रहेगा। मुख्य मांगे क्या चल रही है? मुख्य मांगे पानी और बीमा है, और विद्युत के लिए तो स्थानीय अलग से एक दिया हुआ है। धरने के दौरान के लिए कोई आया नहीं? अभी तो कोई नहीं है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, कोई नहीं आया।